हेलो स्टूडेंट, आज हम जो हमारा किसान का न्याय चैप्टर था ये आज ख़त्म होने जा रहा है ना। ये एक लोक कथा थी, इसका आज अंतिम दिन है। इसमें हम पढ़ेंगे मेरी बारी सात और मेरी बारी आठ, मतलब इसको हम समझाएंगे भी और उसके बाद उसी को आपको होमवर्क करने के लिए देंगे। ये जो मेरी बारी है इसमें एक पिक्चर है ना, आपको बुक मतलब बुक में पेज नंबर क्या है 11, पेज नंबर 11 निकालना है और उसमें पिक्चर बनी है, उस पिक्चर को देख के उसमें जो जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको बताना है। और मेरी बारी आठ में आपठित गद्यांश है, जिसको बोलते हैं आंसर पेसेज है ना, उसमें भी कुछ को उस छोटी सी जो स्टोरी है उसको पढ़ना है अपने को, कहानी को, और उसके बाद उसके जो प्रश्न है उसको हमको बनाना है और बनाने के बाद फोटो खींच के हमको सेंड करना है। तो हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिए, पेज नंबर 11 और 12, है ना, पेज नंबर 11 और 12 आपको देखना है। देखिए मेरी बारी में दिए गए चित्र को देखिए और लिखिए कि विभिन्न लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे होंगे। ये बना है आपका 11 नंबर के पेज में, ये चित्र बने हैं और उसको देखकर आपको बनाना है। इसमें लिखा दिए गए चित्र को देखिए और लिखिए कि विभिन्न लोग क्या सोच रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न है, बाजार की भीड़ देखकर दुकानदार क्या सोच रहे होंगे। इतनी सारी भीड़ है तो दुकानदार क्या सोच रहे होंगे, आपको अपनी थिंकिंग मतलब कि आपने विचार जो है वो बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कपड़े की दुकान पर खड़े ग्राहक क्या सोच रहे होंगे, है ना, यानी जो कपड़े की दुकान में जो ग्राहक हैं यानी कि जो कपड़े लेने वाले हैं, है ना, वो क्या सोच रहे होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिक्शे में बैठी लड़कियाँ क्या सोच रही होंगी, है ना, ये जो लड़कियाँ हैं रिक्शे में बैठी हैं वो क्या सोच रही होंगी, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठेले के पास बैठा कुत्ता क्या सोच रहा होगा, है ना, जो ठेले के पास कुत्ते जो बैठे हैं वो क्या सोच रहे होंगे। ये चारों प्रश्न जो है आपको पेंसिल से करना है, उसका आंसर आपको लिखना है। चाहे तो आप ये जो बुक है उसमें भर सकते हैं यहाँ पर कोरे पेज में, और नहीं तो कॉपी में भी लिख के हमको सेंड करेंगे। अब पेज पलटिए, अगला पेज जो है 12 नंबर का, उसमें एक गद्यांश दिया है, है ना, गद्यांश दिया है मतलब पेसेज दिया है, उसको हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको। देखो, नीचे दी गई कहानी पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गडरिया था, गडरिया मतलब क्या होता है, भेड़ चराने वाला, वह अपनी भेड़ों को रोज जंगल में चराने ले जाया करता था। उसने खूंखार कुत्ते भी पाल रखे थे, यानी वो भेड़ चराने ले जाता और कि क्या पाल रखे थे, खूंखार यानी बहुत ही तेज खतरनाक कुत्ते जो है पाल रखे थे, जो उसकी भेड़ों की रखवाली करते थे, है ना, वो जो कुत्ते थे वो भेड़ों की रखवाली करते थे। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था, है ना, उसी जंगल में क्या रहता था, एक भेड़िया रहता था। वह बहुत लालची था, मतलब वो बहुत लालची प्रवृत्ति का था। वह हमेशा भेड़ों को खाने की योजना बनाता था, प्लानिंग करना, योजना बनाना मतलब होता है प्लानिंग करना, क्या करता था कि योजना बनाते रहता था, प्लानिंग करते रहता था कि मैं किस तरह भेड़ों को खाऊं। परंतु खूंखार कुत्तों के कारण उसकी एक ना चलती थी, परंतु कुत्ते जो कि उस गडरिये ने भेड़ पालने वाले ने पाल के रखा था, तो उसके कारण उसकी दाल जो है कभी नहीं गलती थी, मतलब उसका काम नहीं हो पाता था, उसकी योजना सही नहीं हो पाती थी। अब देखिए, एक दिन उसे भेड़ की एक खाल दिखाई पड़ी, है ना, खाल मतलब कि जो ऊपर का चमड़ी वाला भाग है, तो उसको भेड़ की एक खाल दिखाई दी, परंतु खूंखार कुत्तों के कारण उसकी एक ना चलती थी। एक दिन उसे भेड़ की एक खाल दिखाई पड़ी, उसने वह खाल पहन ली, है ना, और भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया, यानी कि वो भेड़ बन गया, ठीक है, खाल पहनकर, ताकि भेड़ों को आसानी से अपना शिकार बना सके, यानी उन्हीं की जाति का हो गया, मतलब उनके समान खाल पहन लिया और मतलब अपना शिकार जो है, मतलब उसको खाने के लिए जो भोजन चाहिए था वो बनाने के लिए उसने क्या किया, उस भेड़ की खाल को पहन लिया। लेकिन उस जंगल में एक दूसरा भेड़िया भी था, यानी एक भेड़िया तो था, दूसरा भेड़िया भी था, वह भी भेड़ों को खाना चाहता था,
यानी भेड़ों को वो खाना चाहता। एक दिन वह घात लगाकर बैठ गया, यानी सोचा कि आज मुझे खाना ही है, है ना, और अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। जैसे शाम हुई तो उसका इंतजाम होने का इंतजार करने लगा। मौका पाकर उसने एक मोटी भेड़ की गर्दन दबोच ली, यानी जैसे ही उसको अवसर मिला तो उसने क्या किया, भेड़ की गर्दन को दबोच लिया यानी दबा दिया और जंगल में ले जाकर उसे मार डाला, है ना, क्या किया उसको मार डाला। वह मोटी भेड़ कोई और नहीं बल्कि भेड़ की खाल के में छुपा भेड़िया था। देखो उसने लालच किया था ना, जो पहले वाला भेड़िया उसने खाल पहन लिया था और दूसरी जो अच्छी भेड़ें उनको मतलब खाना चाहता था, इसलिए जो दूसरा भेड़िया था उसने उसी को जो खाल पहने हुए जो भेड़िया था उसको क्या कर दिया, उसी को तो उसने खा गया, है ना। इस तरह भेड़िए ने लालच में आकर अपनी जान गंवा दी और उसे भेड़ भी ना मिली। यानी बोला गया है कि क्या किया उसने कि लालच किया और भेड़ की खाल पहन ली, है ना, तो मतलब वो दूसरे भेड़ ने उसको क्या किया, भेड़ समझकर खा लिया और उसके बाद उसने जो पहले वाला भेड़िया था उसने अपनी जान गंवा दी, मतलब वो ख़त्म हो गया और उसे ना तो भेड़ मिली और ऊपर से उसने अपनी जान भी गंवा दिया, है ना। एक छोटी सी कहानी के रूप में था। अब इसके प्रश्न हमको बनाना है कि कुत्ते कैसे थे, बता सकते हो आप लोग, भेड़िया कैसा था, है ना। उसके बाद एक दिन भेड़िए को क्या दिखाई दिया, है ना, घात लगाकर कौन इंतजार करने लगा, फिर उपरोक्त गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक बताइए। छोटा सा नाम, चार नाम दिए हैं इसमें, उसमें से आपको आंसर देना है। ये आप लोग करेंगे और उसके बाद अगर गलत आंसर होगा तो हम आपको फ़ोटो खींचकर सेंड कर देंगे। तो बच्चों आज की कक्षा यही समाप्त होती है। हम आपको एक और चीज़ बता रहे हैं कि अब हम जो है या तो आपका अगला लेसन ये जो गिल्लू है तीसरा पार्ट ये शुरू करेंगे, या फिर हम अभी मतलब मैडम से पूछ लेंगे और उसके बाद तीसरा पार्ट पढ़ाने से पहले हमारे जो तीन पार्ट हो गए हैं, एक कविता हुई है हमारी, है ना, कौन सी कविता, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, दूसरा हमने स्वामी विवेकानंद का पार्ट पढ़े थे और एक तीसरा जो हम अभी पढ़ रहे थे किसान का न्याय, तो हम दो पाठों की पुनरावृत्ति करेंगे, मतलब उसका अभ्यास करेंगे। अगर मैडम बोल देगी कि आगे का पाठ पढ़ाओ गिल्लू पढ़ा दो तो हम गिल्लू पढ़ा देंगे, और अगर बोलेंगी कि नहीं रिवाइज कर लो, क्योंकि हो सकता है कभी भी टेस्ट हो जाए तो अपने को अपनी तैयारी रखना है, तो अपन फर्स्ट वाला पाठ कौन सा पाठ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और दूसरा जो है स्वामी विवेकानंद, दो जो है कम से कम ये तैयार रखना कि टेस्ट में आ सकते हैं, तो हम उसके हिसाब से आपको रिवाइज करवाएंगे ऐसे ही वीडियो में, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन देंगे उसको आपको बिना देखे। अब स्कूल में तो हम आपको क्या करते, आपकी निगरानी करते देखते, लेकिन घर में अगर कोई नहीं भी करेगा तो हमको बिना कॉपी खोले बिना बुक खोले आंसर बनाना है, हम आपके क्वेश्चन पेपर भेजेंगे, पर हम सबसे पहले प्रिंसिपल मैडम से परमिशन ले लेंगे और उसके बाद आपसे रिवाइज करवाएंगे, है ना। ठीक है तो बच्चों धन्यवाद।